राकेश जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, ये अरविंद केजरीवाल के लिए खुशी का कारण होना चाहिए या सामान्य बात है कि आपने एप्लीकेशन लगाई है, वो नोटिस जारी कर रहे हैं, इसके बाद हो सकता है उनके हाथ कुछ ना आए, या मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को थोड़ा गंभीरता से देख रहा है? आलोक जी, आज जो नोटिस जारी हुआ है इसकी पूरी संभावना थी। इसमें एक अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी 11 जुलाई को ही इसी स्टेज पर यानी एडमिशन स्टेज पर ही निर्णय देने का एक सोचा है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। तो जहां तक पूरे स्टैचू पर जो भी आया है, जो ऑर्डिनेंस है जिसको सुप्रीम कोर्ट स्टैचू मानती है, उसका कहना है कि ऑर्डिनेंस एक कानून है, कानून पर स्टे नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो कानून उसके लिए चर्चा होनी चाहिए पूरी तरह। तो जहां उन्होंने पूरे ऑर्डिनेंस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो विषय था उसी ऑर्डिनेंस में जिसकी चर्चा मैं करूंगा, वो है 45D। 45D एक सेक्शन था जो लगाया गया था, नया जोड़ा गया था इस ऑर्डिनेंस के मदद से। एक एक्ट जो है 91 का जो एक्ट है, दिल्ली की सरकार का GNT एक्ट जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो एक्ट है 1991 का, उसमें पार्ट 4 था, वही बात खत्म हो जाती थी। एक पार्ट 4A उसमें ऐड किया गया। उसमें बहुत सारी चीजें जैसे 45A, B, C, D, आप सुनते होंगे अभी चर्चा होती है कि एक कमेटी बनाई गई है, सिविल सर्विसेज की कमेटी, जिसमें चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष होंगे या दो ब्यूरोक्रेट होंगे, वो सभी वही 45A, B, C, D का हिस्सा है। 45D थोड़ा महत्वपूर्ण है। वो क्या है ये मैं आपको बता दूं। 45D बेसिकली दिल्ली में जितने कॉरपोरेशन है, जितने बॉडीज हैं, उनमें जो भी मेंबर या चेयरपर्सन नियुक्त होंगे, उसका अधिकार पहले दिल्ली की चुनी हुई सरकार को था। अब वो अधिकार जो है इस ऑर्डिनेंस की मदद से एक 45D नया इंसर्ट करके एक्ट में, ये सारा अधिकार जो है केंद्र ने अपने पास ले लिया है। तो इससे अब ये हो गया है कि ये तमाम जो कमिटीज थी, तमाम जो कमीशंस थे, जो कि डिफरेंट इशूज पर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट है, वेलफेयर है, वुमेन है, इस सारे इस तरह के जो कमीशंस हैं जो दिल्ली की जनता के लिए थी, वो कमीशन का चुनाव दिल्ली की चुनी हुई सरकार करती थी, उनके सदस्यों का चुनाव। अब क्या हुआ है कि जो इस 45D के ऐड होने के बाद ये अधिकार अब केंद्र के पास चला गया। अब उसका ताजा तरीन एग्जाम्पल ये है कि अभी DERC के एक नए अध्यक्ष का नाम, उनको नामित किया गया है, जिसके अभी शपथ ग्रहण में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके पीछे मूल कारण ये है कि पहले DERC जो कि दिल्ली इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन है, उसके अध्यक्ष हमेशा से दिल्ली सरकार के द्वारा ही चयन होता था उनका, लेकिन इस बार वो चयन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कर दिया है। तो इस अभी जो आज जो पिटीशन जिस पर चर्चा हुई है वहां पर, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट को, जिसमें DERC का चेयरपर्सन जो अपॉइंट किया गया है LG की तरफ से, उस पर तत्काल रोक लगा दी जाए। तो तत्काल रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन उस पूरे 45D पर कल के लिए चर्चा तय की गई है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एडमिशन स्टेज में जब कोई पिटीशन दाखिल होती है उस स्टेज पर वो तुरंत कोई फैसला नहीं करती है। लेकिन जो मेरे सामने अभी खुला हुआ है, ये जो इनका कल का जो ऑर्डर है, आज का जो ऑर्डर है, उसमें उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, कि सिंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 45D ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 हैज बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, नोटिस शैल बी सर्वड ऑन द लर्नेड अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैविंग रिगार्ड टू द एजेंसी ऑफ द मैटर, द प्रोसीडिंग्स शैल बी लिस्टेड फॉर हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल एट दिस स्टेज ऑन 11 जुलाई 2023। यानी कल, यानी कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय 45D पर फैसला होने वाला है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है जहां तक दिल्ली सरकार की बात है। हाँ, पूरा ऑर्डिनेंस पर अभी स्टे नहीं लगाया गया है उस पर, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे ये बात तो कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बातें ऑप्टर डिक्टम में कह दी जाती है, जो कि उनके वर्बल ऑब्जर्वेशन होते हैं, जिसकी चर्चा डिफरेंट वेबसाइट्स पर हो जाती है, न्यूज साइट्स पर हो जाती है, लेकिन वो ऑर्डर का पार्ट नहीं होता है। अभी जो मैंने पढ़ के आपको सुना है वो ऑर्डर का पार्ट है, लेकिन जो मैंने देखा है
बाकी वेबसाइट्स पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आज की प्रोसीडिंग की चर्चा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जरूर कहा है कि ऑर्डिनेंस एक स्टैट्यू है, एक कानून बन गया है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार 123 आर्टिकल में संविधान के प्रेसिडेंट को दिया गया है। अब इस कानून स्टे नहीं होता है क्योंकि कानून बन गया, इसका वैल्यू इक्वल टू कानून, चाहे बाद में ये कानून का स्वरूप लेगा जब ये पार्लियामेंट में ये पास होगा, लेकिन एज इट इज जस्ट नाउ अभी भी ये कानून के रूप में ही है। इसलिए इस पर बगैर किसी बृहद चर्चा के इस पर स्टे तो नहीं लगाया जा सकता है, तो स्टे तो नहीं लगाया गया है। लेकिन हाँ, ये 45D पर कल सुनवाई होगी, फैसला होगा, जिसका हम सभी लोगों का इंतजार रहेगा। अब आगे आप क्या? तो ये जो दो हिस्सों में, उसमें जो मैंने जो खबर पढ़ी है, या तो मैंने गलत पढ़ी है, वो कहती है कि 17 जुलाई को इंटरिम स्टे पर फैसला करेगा सुप्रीम, मतलब चर्चा करेगा, सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये उसके अंदर से एक पेंच निकाल के 11 तारीख को सुन रहे हैं कल। हाँ देखिए, हाँ ये 17 तारीख वाली बात भी ठीक है, लेकिन 17 तारीख की डेट की चर्चा जो है, आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो मेरे सामने खुला हुआ, उसमें 17 तारीख का मेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ यही मेंशन किया हुआ है कि 11 तारीख को ये 45D वाले मैटर पर वो चर्चा करेंगे, उसको फाइनल डिस्पोज करेंगे। और 17 तारीख की डेट वर्बली उन्होंने दी होगी, लेकिन ऑर्डर में इसकी चर्चा नहीं है, ऑर्डर मेरे पास में है। अच्छा, तो 17 तारीख को वो ऑर्डर 11 तारीख की बात कर रहा है। अब एक सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के लाए हुए ऑर्डिनेंस को स्टे या रद्द कर सकता है, किस परिस्थिति में कर सकता है? नहीं, स्टे तो अभी वो करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं कि 17 तारीख को उन्होंने एक तारीख तय की है जिस दिन उस पर वो चर्चा करेंगे स्टे देना है या नहीं देना है। सामान्यतः ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इस पर बगैर उनका रिप्लाई लिए हुए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुने हुए या उनके वकीलों की दलील को सुने हुए, इसको इस तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। खारिज करने के लिए उनको उनका पक्ष सुनना पड़ेगा। तो ये मेरा ये मानना है कि 17 तारीख की डेट की चर्चा हालांकि मीडिया में चल रही है, ऑर्डर में नहीं है, लेकिन कभी भी अगर ये बात उठती है इंटरिम स्टे की, तो इंटरिम स्टे किसी ऑर्डिनेंस पर मिला हो मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ, इस पर जल्दी कार्रवाई जरूर हो सकती है, एक शॉर्ट डेट दिया जा सकता है, उस शॉर्ट डेट के अंदर में बोला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा होगी, क्योंकि ये सारा कुछ जो है डिटेल डिस्कशन का पार्ट है। बहुत जल्दी इस पर स्टे देना या क्वाइस करना मुश्किल होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस पर जल्दी स्टे देना या क्वाइस करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी लोगों के मीडिया में चर्चा चल रही है, मैंने देखा है न्यूज़पेपर। जैसे जब शाम को आपसे बात हुई थी, फिर मैंने भी सर्च करना कुछ की कोशिश की, तो उसमें मुझे कहीं 17 तारीख की डेट दिखी, लेकिन जब मैंने ऑर्डर को डाउनलोड किया सुप्रीम कोर्ट को, उसमें सिर्फ 11 तारीख की चर्चा है, वो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन के पर चर्चा की जाएगी, वो 45D है, जिसमें उस जैसे मैंने बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, 45D बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। उस पर अगर कोई इस स्टेज पर कोई डिसीजन हो रहा है और उसका डिस्पोजल हो रहा है, ये स्वागत है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।